हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं कहाँ हूँ आप लोग गेस करिए। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो पता चल गया होगा। सो मैं अभी आ चुकी हूँ अपने मायके, और ये सडन आना पड़ा प्लान हुआ क्योंकि हस्बैंड की जो है यहाँ पे ट्रेनिंग है 8-10 दिन की, तो इसलिए यहाँ पे हम 10 दिन या फिर 12 दिन भी हो सकते, कितने दिन होंगे पता नहीं। सो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से कुछ वीडियोस आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे। सबसे मिलवाऊंगी भैया भाभी और मम्मी से भी। पापा तो यहाँ पे है नहीं, वो बाहर हैं, और माही का थोड़ा रोना धोना चलता रहता है। पहले जब आती है तो उसको सेट होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा रोना धोना उसका चलता है, फिर उसके बाद वो ठीक होगी। और यहाँ पर ना सर्दी कुछ रात को लगती है, इतना है नहीं। अभी दिन में तो थोड़ी धूप यहाँ पर बालकोनी में आ जाती है और गर्मी लगती है, लेकिन शाम को रात को ना थोड़ा और सर्दी हो जाता है, मतलब सर्दी बढ़ जाती है। सर्दियों का दिन है तो ऑब्वियसली सर्दी होगी। और अभी हाँ ओके बीच ना हाँ हाँ और अभी जो है हस्बैंड चले गए हैं, उनका 8:30 बजे यहाँ से जाना होता है, और मेरे भैया का 8:30 बजे वो घर आता है, उसकी नाइट ड्यूटी लगी रहती है हॉस्पिटल में। सो इसलिए वो अभी पहुँच चुका है और हस्बैंड जो है वो निकल चुके हैं। तो अभी चलिए मैं आपको तारे इटी गुटे सांगटा जी बोल खेळ से ता संगे निनी हां से छुआ खुजी बुल जे इडी अछि ताको कोइ छ चली आसी बेटु खेळा खुली करिवो आसीबो संध्याळ को दियो हैं खुई दे उठे ले दियो मुन्नो को नहीं दे कुटुका मुन्नो को नहीं दे मुन्नो मुन्नो को नहीं दे तो सब मम्मी के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं। और हम लोगों का क्या होगा, चिकन पकौड़ा, हम लोगों का चिकन पकौड़ा, क्योंकि आज ट्यूसडे है और मम्मी नहीं खाएगी, इसलिए हम लोगों का है चिकन पकौड़ा और मम्मी का डोसा। पकौड़ा कितने प्लेट नहीं गए? 2 प्लेट बोले, मतलब जो 3 प्लेट हो ना, देखो गोटे प्लेट कितने हाउ देखिकी ना किए कितने खाइब कौन गए हुए थे आपने जैसा कि देखा भैया और मैं। सो आके हमने खाना वगैरह खाया, और मैं मम्मी के लिए एक सैंडल भी लेके आई थी। सो वो इतना सब कुछ मैं शूट नहीं कर पाई। हस्बैंड जो है आने वाले हैं 8:30 बजे, अभी तो 7:30 हुए हैं। और माही ने क्या खाया था, मैगी क्या खाया है मैगी मैगी हाँ, इसने मैगी खाया हुआ है, और हम लोगों ने चिकन पकोड़ा। और पकोड़ा इसको हम नहीं देते हैं बाहर का, पता नहीं चिकन में कौन सा ऑयल उन्होंने फ्राई किया होगा, इसलिए जब भी बाहर से आता तो हम फास्ट फूड नहीं देते हैं। वैसे भी इसकी थोड़ी हेल्थ हो रखी है इसलिए। और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग भी डिनर करेंगे। मम्मी जो है वो टीवी देख रही है, भैया भाभी दूसरे रूम में, और मैं इस रूम में हूँ। मम्मी को भी मैं बुलाऊंगी थोड़ी देर बाद, आए ये बातें करें, कुछ टीवी वो फिल्म मूवी दे रही है, मूवी देख रही है वो। और मम्मा हाँ गिर जाओगी उन्नु, उन्नु। पापा आसी वे हाँ मामी मामी से रूम रे, वो अपने मामी को ढूंढने गई है, मामी के साथ उसकी बहुत अच्छी जम गई है, मामी से रूम रे। तो यहाँ पे हम मार्केट गए थे भाभी के लिए स्लिंग बैग लेने के लिए, तो हमने यहाँ पे पसंद किया ये कॉफ़ी ब्राउन, जो डार्क ब्राउन आपको दिख रहा है ना, यही वाला पसंद आया और हम यही लेके गए स्लिंग बैग। हेलो हेलो, कैसे हो, कैसे हो आप सब, आप सब। तो ये है मेरी दादी, अगर आपने मेरी ब्लॉग देखी होंगी तो मेरी दादी से मिल चुके होंगे ना, ऐसा कोई अदर करने में कोई दूजी, तो आप लोग मेरी दादी से मिल चुके होंगे। और पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी, फिर से मैं आ चुकी हूँ अपने मायके, तो दादी से भी मिलवा देती हूँ, सबसे मैं मिलवा देती हूँ।
और ये हमारा नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, हम लोग जो रहते हैं ऊपर रहते हैं, और यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर मुंडोर पानी में यही चीज। आज थर्सडे है तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, यहाँ पे पूजा हो रही थी और ऊपर भाभी और मैं मिलके खाना बना रहे थे। मैं जाने वाली हूँ अभी भाभी के साथ, थोड़ी सी रोटी बना दूंगी और फिर जो होगा आपके साथ वो शेयर कर दूंगी वीडियो। यहाँ पे भैया जा रहा है मार्केट कुछ लेने के लिए, इसलिए हम उससे बाद में ही बात करेंगे। तो मम्मी जो गई थी मार्केट गई हुई थी, घर पे आ गई थी और उसके बाद उन्होंने जो है खाना बनाना शुरू कर दिया और मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं चली आई। और अभी ना मैं यहाँ पे शक्करकंदी खा रही हूँ, जो शुगर केन नहीं होता है, मीठा आलू जिसे बोलते हैं वो खा रही हूँ मैं, और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो थर्सडे है आज, तो बिना लहसुन प्याज का सब कुछ बनने वाला है, इसलिए वहाँ पे रोटी तो मैंने और भाभी ने मिलके बना लिया था। और अभी मम्मी जो है सब्जी बनाने वाली थी, तो मम्मी ने कहा था कि तुम दोनों मिलके रोटी बना लो, मैं जब आऊँगी तो फिर सब्जी बनाऊँगी बिना प्याज लहसुन वाली। और हस्बैंड जो है वो 2 बजे आने वाले हैं खाने के लिए, अभी बहुत टाइम है, तो हम बात करते हुए कुछ बना के खा रहे थे। तो और वहाँ पे मम्मी मुझे मांग रही थी एक एक मुझे मसाला जो है वो मुझे देती जा, सो मैं उनको देती जा रही हूँ और वो बनाते जा रहे हैं और मैं खाती जा रही हूँ। तो यही चल रहा था और कुछ नहीं। और माही जो है वो उस तरफ बैठी हुई थी अपना क्या पता नहीं, शायद वो मोबाइल में कुछ देख रही थी, कार्टून वार्टून वगैरह वो देख रही थी, नहीं तो परेशान करेगी। और खाना जो है वो चल रहा है अभी बनाना, और रात को इसलिए हम डिस्कशन कर रहे थे क्या बनाएं क्या करें, क्योंकि बिना प्याज लहसुन की आज बनेगी तो इसलिए। सो मम्मी बोलते बना ले, और मम्मी वहाँ पे डॉक्टर के पास भी गई थी मेडिसिन लाने के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वो भी निकल चुका था, डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल सब कुछ है, तो इसलिए मेडिसिन जो है वो डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लेके और जो कुछ था वेजिटेबल वो लेके आ गई थी मम्मी। भैया के साथ गई हुई थी मार्केट और सो यही चल रही थी दिन की कहानी। और ये रही खाना बन रहा है, सो यहाँ पे जो है वो सब्जी बन रही है, सारे जो वेजिटेबल है वो काट के डाल दिए गए हैं और बस यही चल रहा था। और थोड़ी देर बाद जो है वो हम खाने वाले थे, मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी और इसलिए तो मैं चली गई थी कुछ खाने के लिए। सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें, मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में।